आज जब बात करने वाले हैं पावर स्टेशन के बारे में, तो आज से अगर काफी साल पहले की बात करें तो उस समय जो पावर स्टेशन आते थे काफी ज्यादा बड़े आते थे और काफी ज्यादा स्पेस लेते थे। लेकिन दिन के दिन टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जा रही है वैसे हर एक चीजें नैनो होती जा रही है। तो आज जो मैं आपको पोर्टेबल पावर स्टेशन की अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं जो मुझे भेजा है इकोफ्लो ने। तो कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या इसमें फीचर्स मिलते हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो के अंत तक रहना, काफी मजा आएगा। फटाफट वीडियो करते स्टार्ट। तो यहाँ पे बॉक्स ओपन करने से पहले बाहर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको जो है इकोफ्लो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पे अगर मैं घुमाऊंगा तो यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे जो छोटी मोटी डिटेल्स रहती है प्रोडक्ट के बारे में वो यहाँ पे देखने की मिल जाएगी, जैसे मॉडल नंबर, वेट और भी जो डिटेल लिखी रहनी चाहिए कंपनी को, वो सभी चीजें उन्होंने बाहर से जो है मेंशन करके दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से चारों साइड से आप देख सकते हैं। अब फटाफट जो है देर नहीं लगाते हैं और बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स। यहाँ पे फाइनली हमने मशीन को बाहर निकाल दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो चारों तरफ से कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मशीन का लुक ओवरऑल यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम लोग को एक बॉक्स भी मिल जाता है, इसको खोल के देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको जो है मैनुअल वर्क देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में ये रहा हमारा सोलर चार्जिंग केबल, ये हमारा एसी चार्जिंग केबल है और ये जो हमारा कार चार्जिंग केबल और एक छोटा सा हमको और केबल दिया गया है। इसका क्या यूजेस है मुझे नहीं पता, एंड में आपको मैं बताऊंगा किस लिए इसको यूज करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मशीन के बारे में। तो यहाँ पे जो है फ्रंट से हमको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो नीचे वाला बटन दिख रहा है तो ये जो हमारा ऑन ऑफ के लिए बटन है, तो इसको आप अगर जब लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, शॉर्ट प्रेस करेंगे तो ये जो है ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ऑन हो चुका है। तो ऑन होने के बाद यहाँ पे जो देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 12 घंटे, मतलब ये जो है अभी 12 घंटे तक और चलेगा, 6% तक बैटरी चार्ज है अभी। और यहाँ पे जो है इनपुट आउटपुट कितना जा रहा है वो भी यहाँ पे शो करता है। उसी के नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमको यूएसबी पोर्ट ए मिल जाता है। इसमें भी 2 पोर्ट आपको नॉर्मल चार्जिंग के लिए, 2 पोर्ट जो है यहाँ पे फास्ट चार्जिंग के लिए। और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमको यूएसबी पोर्ट सी मिल जाता है जो 100 वोल्ट तक आउटपुट देता है। उसको भी ये सारी यूएसबी पोर्ट को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे एक स्विच दिया गया। अभी ये जो सारे पोर्ट जो है ऑन हो चुके हैं और इसको प्रेस कर दूंगा तो ये जो है ऑफ हो जाएगा। और ओवरऑल अगर मेरे को सब कुछ बंद करना है तो यहाँ से जो मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूंगा तो ये जो है बंद हो जाएगा, इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पे जो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 जो है ऊपर टॉप में 2 कूलिंग फैन देखने को मिल जाते हैं। नीचे जो है आपको इको फ्लो मैक्स लिखा हुआ मिल जाता है जो ये मॉडल है। और टॉप व्यू की बात करें तो यहाँ पे टॉप में अगर आप देखेंगे तो इको फ्लो लिखा हुआ है और उसके बाद में कुछ ग्रीन एनर्जी के रिगार्डिंग कुछ लाइंस लिखे हुए, तो आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं मशीन को साइड से घुमाता हूँ तो ये साइड में भी अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम कूलिंग फैन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे 2 हमको जो पोर्ट भी मिल जाते हैं, मैं इसको ओपन कर देता हूँ एक बार, एक ये पोर्ट है एक ये पोर्ट है। तो ये दोनों पोर्ट जो है हमको एक्स्ट्रा बैटरी अटैच करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। तो नीचे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा बैटरी पोर्ट 1, एक्स्ट्रा बैटरी पोर्ट 2, मतलब इसके साथ में 2 बैटरी आप अटैच कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पीछे की। तो यहाँ पे पीछे से कुछ इस तरीके से हमको मशीन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे टॉप पे देखेंगे तो एक आपको बारकोड लगा हुआ भी दिखेगा, तो इस बारकोड को स्कैन करके आप इकोफ्लो का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे मशीन के जितने भी फंक्शन है सब मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले ऊपर जो दिया गया है उसकी बात करता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से जो आप सोलर पैनल से इसको चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो ये जो केबल हमको दिया गया था ये हमको यहाँ पे लगाना है और ये जो 2 केबल है हमको सोलर पैनल के साथ में कनेक्ट करना है। तो ये जो है इसको हम सोलर पैनल से भी चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्विच करने के लिए एक बटन दिया गया है और ये देखेंगे तो ये जो है हमारा एसी चार्जिंग जो हमको प्लग मिला था, इस तरीके से देख सकते हैं ये जो प्लग का हमको यूज करके इससे जो हम लोग इसको फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। मीन्स ये जो पूरी आपको जो ये पावर स्टेशन दिख रहा है 2 घंटे के अंदर अंदर आप जो है इसको फुल्ली चार्ज कर सकते हैं। और इसके बाद में इसकी बात करें तो ये जो हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन है, इस तरीके से यहाँ पे बाहर भी लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसमें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारी डिटेल ऊपर टॉप में भी मेंशन किए रहते हैं। अब यहाँ पे जो हमको 4 AC सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये 4 AC सॉकेट से हम हमारा लैपटॉप, छोटे मोटे मशीनरी चला सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, जो भी कुछ चलाना हो ये 4 पोर्ट है इसको हम चला सकते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे हमको बटन दिया गया है, इससे जो हम इसको ऑन कर सकते हैं ऑफ कर सकते हैं। तो पीछे से अभी मशीन बंद है इसके लिए जो अभी ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, आगे से ऑन करेंगे तो ये भी पोर्ट ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमको 12 वोल्ट यहाँ पे
हम लगा सकते हैं 12 वोल्ट आउटपुट लेने के लिए, इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ओवरऑल मशीन को चारों साइड से देख लिया, क्या क्या फंक्शन क्या क्या पोर्ट इसमें मिल जाते हैं। तो एक बार मैं इस पावर स्टेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो इसको आप जो है फास्टेस्ट चार्ज कर सकते हैं, मीन्स 0 to 80% आप पूरे सिस्टम को जो है विद इन अ 1 आवर, मतलब 80% तक बैटरी आप 1 घंटे के अंदर अंदर चार्ज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाता है, अगर आप स्लो चार्ज करना चाहे स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट करना चाहे तो फास्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा, पीछे यहाँ पे आपको 4 AC आउटलेट मिल जाता है और 1 आउटलेट से आप 2400 वॉट तक पावर ले सकते हैं। और इस चीज और इस पावर स्टेशन से आप जो है 11 साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ 11 डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। आपके ऊपर है मोबाइल हो, पावर बैंक हो, लैपटॉप हो, कोई मशीन चलाना हो, 11 डिवाइस को एक साथ में यूज कर सकते हैं आप इस मशीन से। और भी काफी सारे इसमें फीचर है। यहाँ पे अगर जैसे मैंने पहले बताया था, ये डिस्प्ले में कैसा रहेगा कि आप जब भी कोई भी पोर्ट से किसी चीज को चार्ज कर रहे हो तो कितना देर ये चलेगा, कितनी देर चार्ज करेगा, वो सारी डिटेल भी आपको डिस्प्ले में यहाँ पे मिल जाती है। ओवरऑल फंक्शन काफी अच्छे हैं, एकदम एडवांस दिया है, फ्यूचरिस्टिक इसको बनाने की कोशिश की है, फीचर भी काफी अच्छे दिए हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इसको पूरा एप्लीकेशन से रन करके दिखाऊंगा और इसके अंदर पूरे आउटलेट जितने भी दिए गए सभी आउटलेट कर यूज करके मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इसमें एक चीज जो मुझे नहीं अच्छी लगी, पीछे अगर आपने नोटिस किया होगा, जो भी एसी आउटलेट के जो पोर्ट दिए गए हैं चारों पोर्ट, और जो प्लग लगाने के लिए जिसको चार्ज करने के लिए जो पोर्ट प्लग दिए गए हैं, उसमें जो है यूके डिजाइन पोर्ट दिए गए हैं, मीन्स इसमें जो इंडियन पोर्ट नहीं दिया गया है। तो मतलब इसके लिए आपको जो है बीच में एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा जो यूके टू इंडियन को कन्वर्ट करके फिर हम अपने उसके बोर्ड में लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी को ये अभी यहाँ पे इंडियन मार्केट को अगर वो टारगेट कर रहे हैं तो ये चीजें उनको जो है चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें काफी प्रॉब्लम देती है। तो यहाँ पे मैं इसको यूजेस के बारे में बता देता हूँ कि इस मशीन को आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसको जो आप अपने घर के अंदर यूज कर सकते हैं कभी पावर चला गया तो, या फिर आप कहीं बाहर ट्रिप पे जा रहे हैं, अगर लॉन्ग ट्रिप है जो 2, 4, 10 दिन की ट्रिप है, तो उसके आपके साथ में लैपटॉप है, टेबलेट है, मोबाइल्स है, काफी सारे हैं, कोई भी डिवाइस को चार्ज करना तब कर सकते हैं। या फिर आपके कंप्यूटर रूम में अगर कोई चीजें रन कर रही है, 2, 4 लैपटॉप चल रहे हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं, सबको पावर देना है और लॉन्ग टर्म तक रन करना है, उसमें यूज कर सकते हैं। काफी सारे इसके यूजेस है, डिपेंड वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, आने वाला नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आएगा, इसमें आपको मैं पूरा प्रॉपर यूज करके दिखाऊंगा, इसके फंक्शन को सारे यूज करके दिखाऊंगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।